हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नई वैकेंसी के साथ तो HDFC बैंक हायरिंग कर रहा है डियर्स। जानते हैं जॉब रोल लोकेशन क्या रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी रह सकती है, एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो HDFC बैंक हायरिंग कर रहा है डियर। जॉब रोल आपका रहने वाला है, ठीक है। पोजिशंस हैं आपका पर्सनल बैंकर, टेलर, वेलकम डेस्क, ठीक है, और रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। ऑथराइजर है 5, यानी यहाँ पे पोस्ट के लिए हायरिंग है, ठीक है। पहला तो आपका बैंकर हो गया, टेलर हो गया, वेलकम डेस्क, रिलेशनशिप मैनेजर, ऑथराइजर, ठीक है। अब वो जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ब्रांच एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्रांच ऑपरेशन, ट्रांजैक्शनल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कासा एक्विजिशन, क्लाइंट हैंडलिंग एंड रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। तो आपका मोस्टली सेल्स और ऑपरेशन मिक्स वर्क रहने वाला है जो भी है आपका, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें डियर, तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, और 1 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग एंड सेल्स का, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हैं आप तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और सिंपल लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ बेसिक बैंकिंग फंक्शन इन द इकोनॉमी सेक्टर, ठीक है। तो बैंकिंग की थोड़ी अगर आपको 1 साल का भाई एक्सपीरियंस लेके आना है NBFC या बैंकिंग का, तो आप एलिजिबल है, बट मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फ्रेशर तो एलिजिबल नहीं है डियर्स। और अब लोकेशन बहुत ही अच्छी जगह है, काफ़ी बच्चे बोल भी रहे थे, रांची की लोकेशन है, रांची झारखंड की लोकेशन है, और उसके नियर बाय जो ब्रांचेस होंगी वहाँ पे आपको ब्रांचेस मिल जाएंगी, ठीक है। और रिटेल ब्रांच बैंकिंग में आपका हायरिंग है, बट मेरे हिसाब से झारखंड के लिए जॉब ओपनिंग है बहुत अच्छा है भाई रांची के लिए। इसमें वेलकम डेस्क वाला वो तो भाई ऑपरेशन का ही वर्क रहता है, क्लाइंट हैंडलिंग का, रिलेशनशिप मैनेजर भाई सेल्स और ऑपरेशन दोनों करेंगे, टेलर कैश हैंडलिंग का, कैश मैनेजमेंट का काम करेंगे, पर्सनल बैंकर आपका, पर्सनल बैंकर का मोस्टली काम यही होता है ब्रांच एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क होता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन का हैंडलिंग का वर्क होता है डियर, ठीक है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही अपने जॉब वैकेंसी HDFC बैंक में, ठीक है। ये है झारखंड के लिए ओपनिंग है, ये जॉब वैकेंसी आप एक बार देख लीजिए, और सारी चीज़ें इसी में ही हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से 1 ईयर एक्सपीरियंस पर आपको सैलरी वही 22 से 25 हज़ार के आसपास मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि फ्रेशर को ही 18 हज़ार के आसपास मिलता है, तो आपकी जो सैलरी रहेगी डियर, जो अकॉर्डिंग टू मी आपकी सैलरी 22 से 25 हज़ार के बीच इन हैंड रहने वाली है, ठीक है। और 3.5 लाख के आसपास का CTC देंगे ही देंगे आपको, इतना तो देना चाहिए यार। और HDFC बैंक है, टारगेट प्रेशर आएगा ही आएगा, बट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है रांची वालों के लिए भाई, झारखंड वालों के लिए, जो भी नियर बाई लोकेशन है जहाँ भी ब्रांचेस होंगी वहाँ भी आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं अब अप्लाई कहाँ करना है, आपको एक मेल आईडी नोट कर लीजिए, और मेल आईडी जो दी हुई है आपको रिज्यूमे अपना फॉरवर्ड करना है, रिज्यूमे अपना ड्रॉप करना है इस मेल आईडी पे, ठीक है। और ये है आपका suryaran.gaur@hdfcbank.com, ठीक है। और ये आपकी मेल आईडी रही एक्चुअल में, ये है suryaran.gaur, ठीक है, @hdfcbank.com। और इस मेल आईडी पे ही मैं आपको ये जो मेल आईडी है एक्चुअली ये फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं आपको ये पूरा ही कम्युनिटीज टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आपके लिए इजी हो जाए फाइंड करना। अभी रिसेंटली जॉब निकली हुई है, तो जल्दी जितने जल्दी अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देंगे आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। जॉब पोजिशंस लोकेशन आपकी रांची झारखंड है, जॉब पोजिशन आपको दिखी रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। और ये ब्रांच ऑपरेशन और ब्रांच सेल्स दोनों का वर्क रहने वाला है, कस्टमर हैंडलिंग तो मिनिमम एक्सपीरियंस 1.5 ईयर, इंग्लिश आना भी ज़रूरी है और लोकल लैंग्वेज भी, ठीक है। तो ये थी आज की वैकेंसी HDFC बैंक की, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, तो आप लोग अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दें घर बैठे बैठे। रिज्यूमे अगर उनको मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो वो आपको मेल बैक करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, वॉकिंग इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यू दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और बहुत बेस्ट वैकेंसी है रांची झारखंड वालों के लिए यार, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए आप, और ऐसी वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, और आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट वैकेंसी ये रहने वाली है। मुझे लगा चलिए अभी बिहार वालों के लिए डाली थी लास्ट टाइम, इस बार झारखंड वालों के लिए डालते हैं, और भी जगह जगह लोकेशन पर वैकेंसी आ रही है, मैं अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।